सबसे बड़ा सवाल सुप्रीम धीरेन्द्र कानून जी यही नहीं है करते वो कि जी, उनको उनको एक ये तो जरूर नियामक, चाहिए कि वो एक तो उस संस्था को रेगुलेटरी साफ पर लोगों रखें, का इसके भरोसा लिए तो हम बात साफ करते कायम रहे, और उस पद पर रहते हुए जिस पर आरोप लग रहा है कम से कम उसका जवाब आए। बिल्कुल पीयूष जी, धीरेन्द्र जी, जी प्रत्युष जी, बिल्कुल आपने सही कहा है। अगर किसी तरह का आरोप लगा है तो उस आरोपों का जवाब कम से कम उस पद पे बैठे लोगों को अवश्य आके देना चाहिए। इसमें कहीं दो राय नहीं, और दिया भी जाएगा, देना चाहिए नहीं, देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस सरकार में कोई पिछली सरकार जैसा तो है नहीं। कोई माधवी बुद्ध किसी परिवार के सदस्य नहीं है वाड्रा की जैसा कि उनको बचाने के लिए पूरी पार्टी पूरा गठबंधन उसमें लग जाए। क्यों भाई, अगर गलती हुई होगी, अगर उनका कहीं ना कहीं कोई इंटरेस्ट इसमें सदा होगा तो निश्चित तौर पर उन पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि ये देश का पैसा है। लेकिन ये मार्केट को ऊपर नीचे कराने की जो कला चल रही है अभी अंतरराष्ट्रीय गिरोह के साथ मिल करके, और जो ये रचना रची जा रही है इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। एक यहाँ के मार्केट को खराब करने की बहुत बड़ी साजिश यहाँ पे रची जा रही है, मुझे उसकी ओर भी ध्यान आकृष्ट लोगों का करवाना चाहता हूं नहीं नहीं आपके देखिए, चैनल के माध्यम बहुत ही से। सीधा सा मामला है, बहुत ही सीधा सा मामला है महिमा जी। जो आरोप कांग्रेस लगा रही है कि भाई इतने पैसे आए आपके सदस्य रहते हुए, और आपने उसके बाद जब से सेबी प्रमुख का पदभार आपने संभाला, आपकी उस वक्त एक्चुअल इनकम कितनी थी, किन किन कंपनियों में हिस्सेदारी थी, वो आप कम से कम क्लैरिटी दे दें, बस इतना ही सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, एक तो अभी जब मैं भाजपा के सहयोगी दल के प्रवक्ता को सुन हाँ रही थी, एलजेपी के प्रवक्ता को, प्रत्युष जी, तो बड़ी हैरानी की बात यह है, बड़ा डंका बजाते हैं अपनी सरकार की मजबूती का, और ऐसे में फिर ये साजिश की बात भी करते हैं। तो फिर तो ये अपने ही मजबूती के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर लेते हैं कि इनकी नाक के नीचे इस देश की मार्केट्स के खिलाफ साजिशें होती रहती हैं, इन्हें कानो कान खबर नहीं, नहीं मैंने होती, कहा कि और उस इनके साजिश पास में आपकी इनके पार्टी पास शामिल लगता है रहती है। पर्याप्त मात्रा में शक्ति नहीं है कि ऐसी साजिशों को रोक सके, इनकी नहीं इंटेलिजेंस नहीं के नहीं ऊपर नहीं पकड़ आप तो लगे। विदेश की साफ साफ धरती पता पर चलता है, जाकर बीच के में इंडियन बोल वक्त करके से कोई क्या एमओयू बौखलाहट का साइन करते हैं प्रतीक ना आपके दे, मुझे नेता, साथ ये आपको मेरे पता अफसर ने होगा। मुझे मेरी बात रखने दे। प्रत्युष जी, कृपा करके, मैंने बड़े अनुशासन से इनकी बात सुनी, हालांकि मैं जी पूरे ठीक है, तरीके से बोलिए असहमत थी, मैंने अपने अवसर का इंतजार किया। अब मैं अपनी जी, बात कह बोलिए दूं, ये पहली बात तो इनकी इनकी कमजोरी पता चलती है। दूसरी बात ये पता चलता है कि जिस तरह से इनकी सरकार के नीचे इस तरह के काम होते रहते हैं उसमें न सिर्फ नियमों का उल्लंघन होता है, आपने अभी बताया, मैं जरा आंकड़े ठीक से बता दूं, लगभग 3 करोड़ अघोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड को सीधे सीधे इंडियन प्राप्त वक्त हुए के महिंद्रा साथ एंड महिंद्रा मैडम समूह से। मुझे मेरी बात पूरी जी रखने दे प्रत्युष जी, जरा आप जी 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 कहें एलजेपी के प्रवक्ता से, थोड़ा धैर्य रखें, धैर्य रखें, ये तो अभी शुरुआत है, आगाज है, अंजाम तक का इंतजार कर लें जरा। भारत अंजाम की तो पूरी आप भुगतने को जनता तैयार को, है, 15 साल से इन्होंने जनता आपको अंजाम ही पल्लवी भुगतवा पूरी रही कुछ, है। देखिए पल्लवी भुज तो कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन उनका बचाव करने वाले, मैंने कहा था ना, सावन जो आग लगाए उसे कौन बुझाए, ये सावन है जो आग लगा रहा है, ये बाढ़ है जो खेत को खा रही है, चलिए भाजपा और उसके चलिए सहयोगी जो भारत देश की पीठ चलिए, में अभी छुरा घोंप रहे हैं। इस इन देखिए सेबी की नए जो संहिता गंभीर है, आरोपों पर माधवीपुरी बुच का क्या जवाब आता है, सबको इसका इंतजार रहेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। जी न्यूज।